जैसे मेरे पास मोबाइल फोन है, अगर इस मोबाइल फोन में हम लोग तो बात करते हैं, हाई हेलो जो भी बोलते हैं, तो हमारी आवाज जाती है तो किसके माध्यम से जाती है? माइक के माध्यम से जाती है। जो आपको सुनाई देती है वो किसके माध्यम से सुनाई देता है? स्पीकर के माध्यम से। जो आपके फोन में गाने बजते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिंगर होता है। तो हमारे फोन में स्पीकर अलग होता है, रिंगर अलग होता है, माइक अलग होता है। स्पीकर काम होता है आवाज को सुनाना, माइक का काम होता है आवाज को भेजना, रिंगर का काम होता है गाने बजाना। क्या करना? गाने बजाना। तो हमारे फोन में स्पीकर, रिंगर, माइक तीनों चीजें अलग अलग है। स्पीकर का काम अलग है, रिंगर काम अलग है, माइक का काम अलग है। कई बार फोन में ऐसा भी देखा गया है कि मोबाइल फोन में से स्पीकर, रिंगर, माइक जो होते हैं यह तो तीनों बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तीनों बंद हो जाते हैं। ना तो उसमें स्पीकर काम करता है, ना उसमें रिंगर काम करता है, और ना तो उसमें माइक काम करता है। अगर उसमें तीनों बंद हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है उस मोबाइल फोन में फिर हेडफोन की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? हेडफोन। वो हम लोग अभी दूसरे पार्ट में सीखेंगे। अभी हम लोग चीज समझ रहे हैं स्पीकर, रिंगर, माइक के बारे में। स्पीकर, रिंगर, माइक को चेक करना, उसके सर्किट को चेक करना, इसी को हम लोग अपनी भाषा में, इसकी भाषा में ऑडियो सेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडियो सेक्शन। ऑडियो सेक्शन भी बोलते हैं, मतलब साउंड सेक्शन भी कहते हैं। हमने सबसे पहली बात में आपको स्पीकर, रिंगर का, मैं आपको सर्किट बताता हूँ। स्पीकर, रिंगर का जो सर्किट है वो स्पीकर, रिंगर के सर्किट को कैसे पहचाना जाता है और स्पीकर, रिंगर के सर्किट को कैसे चेक किया जाता है। स्पीकर, रिंगर को सेक्शन को चेक करने का तरीका क्या होता है, कैसे चेक किया जाता है? स्पीकर रिंगर के लिए आपके मोबाइल में जो स्पीकर रिंगर का जो कनेक्शन होता है वो पावर आई पी होता है। सप्लाई हमारे काम हो जाते हैं। स्पीकर, रिंगर, माइक, जितनी भी सारी चीजों की जो कनेक्टिविटी होती है वो कहाँ से होती है? पावर आईसी से होती है। कहाँ से होती है? पावर आईसी से। स्पीकर के लिए हमारे फोन में बजा रहा
उनको कितना आवाज को बढ़ाना है कितना घटाना है, मतलब उसको कंट्रोलिंग के लिए लाइन जाती है। क्या बोलते हैं इसको, इनेबल लाइन भी बोलते हैं या इसको CTRL लाइन भी बोलते हैं। CTRL का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग। क्या होता है, कंट्रोलिंग। अब जब रिंगर आईसी को यहाँ पे ऑडियो सिग्नल आ जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा, यहाँ पे जब इसको कमांडिंग कंट्रोलिंग सिग्नल मिल जाएगा, तब रिंगर आईसी क्या काम करती है, अपने पास से आउटपुट निकालती है। क्या करती है, अपने आप पास से आउटपुट निकालती है। अपने पास से क्या निकालती है, आउटपुट निकालती है। ये आउटपुट सप्लाई यहाँ से निकालने के बाद तुम्हारे यूआई जेड पे जाती है। कहाँ पे जाती है, यूआई जेड पे जाती है। माइक की कनेक्टिविटी हम सर
ये हमारे मोबाइल फोन में माइक के लिए ये पूरा कनेक्टिविटी बनी होती है। क्या बनी होती है? अगर आपके मोबाइल फोन में स्पीकर रिंगर माइक नहीं काम करता तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। एक बार इसको पहले बना लीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अब देखो, हम लोग बात करेंगे कि स्पीकर रिंगर माइक की जो लाइन है उसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, मतलब मोबाइल फोन में कैसे चेक करेंगे। अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आता है जो कहता है हमारे मोबाइल फोन में स्पीकर नहीं काम कर रहा है, इस मोबाइल फोन में रिंगर नहीं काम कर रहा है, इस मोबाइल में जो हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ दूसरी तरफ नहीं जा रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो हमको खुद सुनाई नहीं देता तो ऊपर वाला स्पीकर होता है, गाने नहीं बजते तो इसको हम लोग लाउड स्पीकर रिंगर बोलते हैं। ठीक है, स्पीकर से आवाज़ सुनाई देती है, रिंगर से आवाज़ गाने लाउड स्पीकर बजते हैं, और जो माइक होता है उससे आवाज़ हमारी जाती है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। स्पीकर रिंगर माइक तो कोई भी मोबाइल फोन में समस्या है तो पहली बात तो आप क्या करिए, मोबाइल फोन में वॉल्यूम सेटिंग देखिए। हो सकता है कस्टमर ने कॉलिंग के वॉल्यूम को बंद कर दिया हो सकता है आवाज़ को बंद कर रखा हो, ऐसी प्रॉब्लम आती है इसको पहले देख लीजिए। उसके बाद फिर भी मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आता है तो आप मोबाइल फोन को खोलिए, स्पीकर रिंगर माइक, स्पीकर रिंगर माइक, तीनों चीज़ों को क्या करिए, पहले साफ करिए। कई बार ऐसा होता है स्पीकर में जाली होती है जिसमें धूल मिट्टी डस्ट बहुत बढ़ जाती है, जिससे हम लोग बात करते हैं तो आवाज़ साफ नहीं आती, तो इसके डस्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। स्पीकर को साफ सुफ कर देते हैं, साफ करने के बाद फिर हम लोग सुनते हैं तो हमारी आवाज़ साफ आने लगती है। अगर नहीं साफ आती तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, स्पीकर को चेक करना पड़ता है। स्पीकर की टेस्टिंग क्या होता है, देखिए मैं पहले स्पीकर की लाइन को चेक करना तुमको समझा रहा हूँ कि स्पीकर की लाइन को कैसे चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को वीक पॉइंट में सेट करेंगे। स्पीकर को साफ सुफ कर लिया, साफ सुफ करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, फिर भी आपके मोबाइल फोन में आवाज़ नहीं आ रही है, स्पीकर को चेक करिए। स्पीकर चेक करने पर क्या होगा, बीप देगा। क्या देगा? बीप देगा। अगर स्पीकर चेक करने पर क्या देता है, बीप देता है, तो बीप देने का मतलब क्या होता है, हमारा सही है। अगर बीप नहीं देता तो हमारा क्या है, खराब है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्पीकर रिंगर को चेक करेंगे, चेक करने के बाद भी प्रॉब्लम सेम है, हम लोग क्या करेंगे, स्पीकर रिंगर में दो टिप्स होते हैं, कितने टिप्स होते हैं, दो मिनट इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगा। वैल्यू कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर को वीक पॉइंट पर सेट करेंगे। कहाँ पर सेट करेंगे? मल्टीमीटर को वीक पॉइंट पर सेट करेंगे। वीक पॉइंट पर सेट करने के बाद जो हम लोग चेक करेंगे,